एससीजी कैंसर सेंटर ने 5 जून को अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई। मध्य भारत में कैंसर मरीजों के संपूर्ण इलाज के उद्देश्य से 4 जून 2017 में हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी। वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर अजय मेहता, सुचित्रा मेहता, वेंकटेश्वरलू मारापाका, सुरेंद्र डांग और सभी सलाहकार डॉक्टर और स्टाफ मौजूद थे। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। सेंटर के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। नर्सिंग सेवा के लिए रजनी गुरुबिले, बेस्ट जूनियर डॉक्टर के लिए जयश्री शर्मा, बेस्ट पैरामेडिकल सेवाओं के लिए सरफराज अंसारी, बेस्ट स्पोर्ट स्टाफ के लिए वेंकटेश धनजोड़े, आउटसोर्स सर्विस के लिए सुभाष कावले, वर्षा सानीश्वर, मीना बागड़े और सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए कंचन पिंपलापुरे को पुरस्कृत किया गया। मेहता ने इस अवसर पर कहा कि सभी ने एचसीजी को अच्छा कैंसर संस्था बनाने में योगदान दिया है। विजेताओं को अतिथियों ने बधाई दी। आज 5 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है। हमारा ये एक मोटो था कि टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया एंड दैट टू इन नागपुर, वो आज हमने दैट वी हैव अचीव्ड। आज मुझे आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि आज किसी भी टाइप का कैंसर हो चाहे और उसका डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक सब यहाँ पे एससीजी कैंसर हॉस्पिटल में हो सकता है। ये 135 बेड हॉस्पिटल है जिसमें 9 बेड का एडवांस्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी है और 4 ऑपरेशन थिएटर्स है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो मशीन है वो पूरे अगर देखे जाए तो एशिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी मशीन है। और हमारा अभी यही प्रयास रहेगा कि अगले कुछ महीनों में हम और भी नए नए टेक्नोलॉजी यहाँ लाएंगे, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई या डायग्नोस्टिक्स में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब हम टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम करेंगे हमारे हॉस्पिटल में। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल में किसी भी पेशेंट को नागपुर छोड़ के कहीं बड़े सिटी में जाने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।